वहीं हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरिद्वार में लोकसभा के लिए डिजिटल नामांकन करने जा रहे हैं। पूर्व सीएम का उत्तराखंड में यह पहला डिजिटल नामांकन होगा। डिजिटल नामांकन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। चुनाव के लिए नामांकन के ऐलान के साथ बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन करना शुरू कर दिया। हमारे साथ है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हरिद्वार से पार्टी प्रत्याशी आज नामांकन करें तो बातचीत करेंगे। सर, हरिद्वार लोकसभा सीट पर आज आप डिजिटल रूप से नामांकन कर रहे हैं, एक बड़ा संदेश भी आप दे रहे हैं, और क्या कुछ कहेंगे सर पार्टी कार्यकर्ताओं को कि या दूसरे लोगों को कि वो भी डिजिटल रूप से अपना? देखिए, मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा कि हमको जो प्रधानमंत्री जी ने आज डिजिटली इतना साउंड देश को किया है, हमको उसका पालन करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उस माध्यम को अपनाना चाहिए। क्योंकि जब हम डिजिटली नॉमिनेशन कर रहे हैं तो कोई भीड़ नहीं है, कोई सड़क जाम नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है। आर्थिक रूप से भी बहुत ही मैं कहूँ फ्री जैसी स्थिति है, और जो डिस्टरबेंस होता है तमाम सामान्य नागरिकों को, वो भी इससे जीरो है। साथ ही जब हम डिजिटली नॉमिनेशन कर रहे हैं तो हमारा ये संदेश होगा कि हम जब डिजिटल भारत से हम गुजर रहे हैं, भारत डिजिटली बहुत साउंड हो गया है, तो इन सुविधाओं को हमको लाभ देना चाहिए। युवाओं भी इससे प्रोत्साहित होंगे, नई पीढ़ी भी इससे प्रोत्साहित होगी, और इससे तमाम तरह के जो आयाम हैं डेवलपमेंट के वो भी खुलेंगे। सर, चुनाव के बाद होली आती है तो भी मजा आता है, लेकिन चुनाव में ही होली आ रही है, सर क्या कुछ रहेगा सर? नहीं, बहुत उल्लास के साथ होली मनाएं लोग, मैं तो यही कहूंगा, और जरा संभल के मस्ती होनी चाहिए, लेकिन संभल के हम होली का त्योहार मनाएं, इन खुशियों को हम एक दूसरे को बांटें, एक दूसरे के गिले से दूर करके और गले मिलें, यही मैं सबको कहना चाहूंगा। उत्तराखंड की 5 में से 4 सीटों पर परिस्थितियां बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने होती है, लेकिन हरिद्वार सीट पर दूसरे दल भी आपके सामने, किस तरह से रहेगा सर मुकाबले को अगर आप? नहीं, देखिए, जिसका भी फाइट कर रहा होगा वो भाजपा से फाइट करेगा। भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है, भाजपा का संगठन तंत्र बहुत मजबूत है, और भाजपा ऑलरेडी इतनी आगे बढ़ गई है कि बाकी सब पीछे पीछे दौड़ते चले जाएंगे और भाजपा अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। सर, मोदी परिवार लगातार बढ़ रहा है, आपने मुझे क्या कुछ ये लोग फख्र का अनुभव कर रहे हैं कि मैं भी मोदी परिवार का सदस्य हूं। वो अभियान बहुत अच्छा चल रहा है डिजिटली, और जगह जगह अब तो लोग उद्घोष भी करने लगे कि मैं भी मोदी का परिवार। तो एक बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 26 जनवरी को लाल किले से जो आह्वान किया था, और मेरे 140 करोड़ परिवार जन को तय करके उन्होंने देश को संबोधित किया। आज देश की जनता को ये लग रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, युवा, किसान, सबके लिए काम किया है, और लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जो कहते हैं वो वास्तव में करते भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब से पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डिजिटल के माध्यम से अपना एक संदेश दे रहे, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को समझकर या जो उसके साथ काम करने की भी सलाह दे रहे, ताकि इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। कैमरा मैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज।